हेलो गाइस, दिस इज़ फ्यूचर योर वॉन्डर बैक। और आज हम लोग हैं यहाँ यरवडा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन खेलने आए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे चार कोर्ट है, दिस इज़ द फोर्थ वन जहाँ पे हम लोग खेल रहे हैं। और इस समय खेल रहे हैं सचिन पाठक जी, और खेल रहे हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वाले भैया हार्दिक पटेल। यहाँ पे बहुत तगड़ा गेम होता हुआ, एक्चुअली में सिंगल्स खेल रहे हैं। सिंगल्स एक्चुअली में मेरे हिसाब से आई प्रमोट सिंगल्स इन बैडमिंटन, बिकॉज डबल्स में आप बहुत आलसी हो जाते हो, कुछ हिलना नहीं रहता, अपना सोते रहो। पर सिंगल्स में आप मेहनत करते हो, यू हैव टू रन फॉर योर सेल्फ, वही वाला हिसाब है, क्योंकि कोई और तो है नहीं। हाँ, सिंगल कोर्ट पे छोड़ दिया गया है, जो करना है आप ही को करना है। भैया कम ऑन हार्दिक, कम ऑन बॉय। तो ये सचिन खेल रहे हैं, इनको बुलाया जा रहा है, एक्चुअली में प्लेयर्स नहीं है बट ये लोग सिंगल्स खेल रहे हैं। हे हार्दिक कम ऑन, माइक्रोसॉफ्ट वाले भैया कुछ बोलेंगे आप, कैसा लग रहा है आप दो दिन से आ रहे हैं यहाँ पे, हाउ यू फीलिंग? लग रहा है, हाँ फिट रहना चाहिए। और फिट रहना चाहिए, सुबह उठा करो सब लोग, थोड़ा तेज बोलो यार। हाँ अच्छा, बोल धीमे ही बोल रहे मेरे भाई, ये मेरा भाई है पता है, वी आर ब्रदर्स फॉर अनदर मदर्स। भाई स्टे फिट स्टे हेल्दी, सुबह उठा करो जल्दी और फिट रहा करो, जो भी पसंद हो आपको स्पोर्ट्स में, जो भी हो वो उठो और एक्सरसाइज करो, फिट रहो, बस दैट्स इट। ये देखो ये अपने माइक्रोसॉफ्ट वाले भैया हैं, कम बोलते हैं पर बिल्कुल जो चाहिए आपको वही बोलते हैं। कोई भी स्पोर्ट्स खेलो आप, ये आपके इंटरेस्ट पे है, बस निकलने का एक जो कंफर्ट जोन से निकलने की बात मैं हमेशा करता हूँ, क्योंकि इनिशियल पार्ट में ही डिफ़िकल्ट होता है निकलना। एक बार आप निकल आए और ग्राउंड लेवल पर आप आ गए ना, फिर तो आप फिर अपने आप चीज़ें होती हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप होंगी, बस आपको उठ के बिस्तर से यहाँ कोर्ट पर पहुँचना है। यही ये भाई साहब अपने माइक्रोसॉफ्ट वाले भैया दो दिन से कर रहे हैं और इनको अच्छा लग रहा है। मैं भी मतलब एक महीने से मैं भी रेगुलर हूँ काफ़ी, अभी तक अपने होम टाउन में था, मैं हड़हा उन्नाव में, और गंगा किनारे वाला है भाई, मैं गंगा किनारे वाला छोरा हूँ, छोरा गंगा किनारे वाला, गंगा जी मेरे घर से केवल 2 किलोमीटर दूर बहती हैं, तो वहाँ पे तो अलग ही माहौल है, वहाँ पे मैं इससे ज़्यादा मोटिवेटेड और लाइक पॉजिटिव फील करता हूँ। तो अब गंगा जी तो है नहीं, और यहाँ पे अपने मुंडवा पे मुट्ठा रिवर बहती हैं, वही गंगा जी हैं, उसका कल वीडियो डाला था, तो आप लोग थोड़ा बोलो, थोड़ा उन्हीं को गंगा जी समझें यहाँ पे जितने लोग पुणे में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, और उनको माँ की तरह माने और उनको साफ़ करें, बहुत गंदी हैं वो। मेरा एक वीडियो है प्रॉब्लम वाली सीरीज़ में कर रहा हूँ, तो वो प्रॉब्लम एक्चुअली मैं IT में काम करते हैं, तो वी ऑल आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, हम लोग कोड करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो पर अपनी ज़िंदगी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ऐसे नेचुरली जो देखते हैं, जैसे मैंने सेव वाटर वाला बोला है तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, और मैं ऐसी मेरी सीरीज़ में बहुत सारे जो सोसाइटी के या सोशल वाले प्रॉब्लम्स हैं और उसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं पॉसिबल, मैं आप लोगों से बोलूँगा, आप कमेंट करो, कमेंट में सॉल्यूशन बताओ मेरे को कि क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, अगर आपको पानी बचाना है या फिर कोई नदी है जो कि क्या बोलते हैं गंदी हो रही है, व्हाट आर योर सजेशंस, लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जो IT पीपल हैं मेरे वो बताएं, अपना IT वाला कोडर वाला दिमाग लगाएं, माइक्रोसॉफ्ट वाले भैया बताएं, भैया तो बता चुके हैं मेरे पास सॉल्यूशन है पर मैं अभी नहीं बताऊंगा। तो आई हैव वेरी गुड कम्युनिटी, मेरे पास सब फैंग वाले पीपल हैं, उनसे मेरे कनेक्शन हैं, UPSC में ISP मेरे फ्रेंड हैं बहुत सारे, और कुछ पॉलिटिशियंस भी फ्रेंड हैं, सबसे बना के चलना पड़ता है भाई आज की डेट में। तो बस ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त सब लोग साथ आने चाहिए, वही एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसी चीज़ की मैं हमेशा गुहार करता हूँ सबसे, क्योंकि गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुँच सकती, आप कब तक गवर्नमेंट को कोसोगे? अब टाइम आ चुका है कि हम लोग निकलें खुद, सब लोग मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व करें, यही US में और बाहर होता है, वहाँ पे इतना कोई गवर्नमेंट इतने डिपेंड नहीं करते हैं, कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं सबकी, सब लोग मिलते हैं और एक प्रॉब्लम को बैठ के आराम से अच्छे से बात करके डिस्कशन करके सॉल्व करते हैं, और फिर बहुत अच्छे सॉल्यूशन आते हैं, और फिर हम लोग बोलते हैं कि US चाइना और ये रशिया बहुत बड़े सुपर पावर हैं और इंडिया में हम लोग वो काम कर नहीं रहे, पर अब हाँ चीज़ें चेंज हो रही हैं जब से स्टार्टअप का थोड़ा आया है, तो वी आर डूइंग दिस थिंग लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में क्या ख्याल है आपका, जो मैंने कल एक वीडियो डाला था उसके बारे में क्या बोलोगे कि कैसे हम लोग बचा सकते हैं, व्हाट आर योर सजेशन, हाउ कैन वी सेव वाटर और जो डर्टी रिवर्स हो रही हैं उनको कैसे बचा सकते हैं, योर सॉल्यूशन? बेसिकली व्हाट आई थिंक इज एज वी आर यंगस्टर्स, सो हमें खुद की कम्युनिटी बनानी चाहिए, बिकॉज वी नो दैट जो ऊपर के लोग हैं दे आर नॉट बेसिकली लिसनिंग टू द प्रॉब्लम्स, बिकॉज दे ऑल्सो सी द प्रॉब्लम्स व्हाट दे आर फेसिंग बट दे आर नॉट एक्टिंग टू द प्रॉब्लम्स। करेक्ट। नाउ वी द यूथ ऑफ द इंडिया
यंग यूथ सो बेसिकली वी शुड फॉर्म अ कम्युनिटी, वी शुड बेसिकली रिक्वेस्ट देम वॉट एवर द पिटिशन इज देयर, साइन दैट पिटिशन एंड ट्राई टू सॉल्व दैट बेसिकली. So basically, that is the only solution that we can work on. और स्वच्छ इंडिया की बात मोदी जी करते हैं, मोदी जी बहुत ही अच्छे पीएम हैं और मैं तो चाहता हूँ जब तक वो जिंदा रहें तब तक बने रहें तो बहुत अच्छा है, अगर भगवान ये करें मेरी बात सुन रहा हो तो. क्योंकि बिकॉज इससे पहले कोई भी पीएम ऐसा नहीं था कि स्वच्छ भारत और स्टार्टअप डिजिटल इंडिया बहुत सारी हम लोग मोदी को कोसते भी हैं, बट पता है मोदी जी बहुत अच्छे हैं अपने इंडिया के लिए. अभी करंट सिचुएशन में और कोई मुझे इतना स्ट्रांग दिखता नहीं है कंटेंडर, क्योंकि उनने सबसे अच्छी चीज़ ये की कि वो बाहर देशों में गए और वहाँ पर उनने कनेक्शंस बनाए, जो क्योंकि पता है आपके कनेक्शंस ही आपके काम आते हैं. मतलब कनेक्शंस का यहाँ पे मतलब ये है कि आपके रिश्ते कैसे हैं बाकी लोगों से, दूसरे लोगों से आप कैसे बातचीत करते हो. ठीक है, यहाँ पे बातचीत दूसरे लोगों की बजाय कंट्री से बात हो रही है. जो कंट्री, ऐसे ऐसे कंट्री में मोदी जी गए हैं जहाँ पे कोई गया ही नहीं था पीएम आज तक, फर्स्ट टाइम ही वॉज अ फर्स्ट टाइम. इसीलिए सब लोग मोदी को इतना पसंद करते हैं. तो और ये भी मेरे को यही स्पिरिट बहुत अच्छी लगती है कि सबसे जाके खुद से आगे से बात करते हैं वो. ट्रंप भी आया था, हाँ, तो बहुत अच्छा है वो काम कर रहे हैं. और वही जो हार्दिक ने बोला कि हम लोगों को खुद कम्युनिटी बनानी पड़ेगी, गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच सकती है, जैसे कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते तो उनने माँ बनाई है, है ना, सबको अपनी माँ से बहुत प्यार है, राइट. इसीलिए मैं गंगा मैया से यहाँ पे जो मूला मुठा रिवर है उसको, वो भी एक जीवनदायिनी रही है, माँ रही है, है ना. यही मैंने कल जीवनदायिनी बताया था, क्योंकि पहले क्या होता था एक्चुअली में रिवर के अराउंड ही कम्युनिटी होती थी, लोग वहाँ पर पानी पीते थे, वहाँ पर अपना रहते थे, उसी पानी को यूज़ करके अपने अनाज उगाते थे और क्या बोलते हैं मतलब उससे गेहूं होता था, चावल होता था, और जो सबसे रबी और खरीफ की फसल बोली जाती है, हम सब ने सोशल में पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा है, उसको अप्लाई करने का टाइम अब है. इसलिए मैं बोलता हूँ कि चीज़ों को समझ के पढ़ो, रट्टा रट्टू तोता मत बनो. चीज़ों को समझोगे आप तो आप ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे कि प्रॉब्लम क्या है, और फिर आप सोल्यूशन भी बहुत ईजिली निकाल लोगे. और प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, हाँ देखो यही है कि थोड़ा हमें भी करना पड़ेगा, पीछे पड़ना, एफर्ट डालना पड़ेगा, राइट, डालना पड़ेगा. बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट एटीट्यूड और एफर्ट है. अगर आप वही कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे, आप बोलोगे मेरे को क्या पड़ी है, तो भाई तुमको पड़ी थी तो अभी तक तो देख तो रहे वो गंदा कितना पड़ा हुआ है, अच्छा हो जाएगा तो आप ही को अच्छा लगेगा. वहाँ पे एक भोले बाबा का मंदिर है, मतलब उस मंदिर में शायद ही कोई पूजा करने जाता होगा, है ना, और भोले बाबा भी कितने नाराज रहते होंगे, उनकी भी कृपा नहीं आती होगी. तो अगर आपको देखो भोले बाबा हर जगह हैं, वो सृष्टि के बनने से पहले से हैं और इसके अंत में भी, उनका ना कोई अंत है, सब लोग जानते हो, मेरे से ज़्यादा मैं क्या बोलूँ. और तो भोले बाबा के ही लिए आप लोग सब चले जाओ यार, मैं तो भगवान के लिए, तो मैं तो देखो मुझे नहीं पता कोई करेगा, मैं तो एक कम्युनिटी. बेबी गंगा नदी पुणे में बहती होगी तो फिर कितना अच्छा से साफ करके रखते हैं, ऐसे समझ के करो. वही वही भी नदी, इसीलिए मैंने कंपेयर किया, कोई भी नदी हो यार सब माँ है. मतलब अगर कोई मतलब माँ को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो तो उनको मतलब गंगा माँ हम लोग बोलते हैं, इसीलिए माँ की तरह मानता हूँ मैं, गंगा जी के किनारे रहता हूँ और कितना मैं प्रिविलेज फील करता हूँ कि मेरे घर से केवल 2 किलोमीटर, कभी कुछ होता है ना कोई मतलब अच्छा पवित्र दिन है जैसे कत्की का मेला होता है, मैं अपनी मम्मी को लेके गया था वहाँ पे और अपने डुबकी उबकी ली मैंने भी लिया, क्योंकि आप जाते हो गंगा जी में क्यों अस्थियाँ विसर्जित की जाती हैं, ताकि आपको मोक्ष मिल सके. बोला जाता है कि आपके पाप धुल जाते हैं और इतनी गंदगी है गंगा जी, नमामि गंगे जो है वो चालू किया था अपने मोदी जी ने, और कोई तो सोचता ही नहीं है मोदी जी चालू करते थे तो उसमें क्या था, नमामि गंगा में कि साफ कर रहे थे, पर स्टिल वो नहीं, इतने ग्राउंड लेवल पे रूट लेवल पे इतना काम नहीं हो पाता यार जब तक हम लोग नहीं मिलते हैं सब. आप यू नो हाउ गवर्नमेंट वर्क्स, तो वो भी काम कर रही है, अपने पेस पे काम कर रही है, आप भी काम करो अपने पेस पे काम करो, है ना. अब माइक्रोसॉफ्ट का दिमाग चलेगा अपने माइक्रोसॉफ्ट वाले भैया का, तो कुछ तो कमाल दिखाएगा ही, है ना, क्या बोलता है मेरे भाई, भाई तो लोग कमाल दिखा सकते हैं, यही कि बस थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, हर एक को सोचना पड़ेगा, अपने फ्री टाइम में से थोड़ा बहुत निकालो, 1-2 घंटा जो भी हो, और इसके बारे में भी सोचा करो, ये आगे जाके यही बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. एग्जैक्टली, क्योंकि जब पानी नहीं, अगर आपके पास पानी नहीं होगा, एवरीबडी नोज कि हम लोगों का वाटर कंटेंट क्या है बॉडी में, लगभग 80-90% है. अगर पानी नहीं बचेगा तो तुम जिंदा कैसे रहोगे, एक्सटिंक्ट हो जाओगे जैसे डायनासोर हो गए. क्योंकि पानी देखो वैसे भी बोतलों में बिकने लग गया है, 20-30 रुपये का आप लोग खरीद के पी तो लेते हो, पर उसके बारे में कभी सोचा है कि वो पानी तो यार लिमिटेड है, ड्रिंकिंग वाटर इसके बारे में सबने पढ़ा है 3% के अराउंड है, राइट, 3% 97% सी वाटर है जो कि सलाइन है, उसको कन्वर्ट करने में ऑस्मोसिस प्रोसेस, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, उसमें बड़ा खर्चा होता है. ठीक है, तभी हम लोग सलीन वाटर को नहीं कन्वर्ट करते हैं. तो पीने का पानी जो कम बचा है हम लोग कैसे और उसको बढ़ा सकते हैं, और क्योंकि यही सब है यार, भगवान भी सब देखते हैं. मैंने कल भी बोला था कि कोविड महामारी आई, बहुत अच्छी वार्निंग था हम लोगों को, सबको सीख जाना चाहिए, सचेत हो जाओ. ये एक तरीके से जो नहीं होता है कि ये फाइनल वार्निंग है, इसके बाद तबाही ऐसी आएगी कि भैया संभल ही नहीं पाओगे तुम लोग, तो अभी भगवान मौका दे रहा है, संभलो.
इसीलिए आप, मैं बोलता हूँ फिटनेस मेरे चैनल को फॉलो करो और बहुत मोटिवेटेड रहो। ये सब नई नई चीज़ें जो न्यू आइडियाज़ हैं मैं लाता रहता हूँ। मेरे फ्रेंड्स सब अच्छे हैं, फिट रहो, सब लोग फिटनेस पे सबसे ज़्यादा फोकस है, और अपनी फैमिली, फैमिली और फिटनेस, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो दिस इज़ पीयूष साइनिंग ऑफ, अब जा रहा हूँ गेम खेलने, यार कितनी देर बातें करूँगा। चलो टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय, जय हिंद।